حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर साबरी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। दोस्तों, मैं एक सिफली मुअक्कल का अमल आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये अमल बहुत आजमूदा है, जो लोग इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं वो इनको कर सकते हैं और इनसे हर जायज़ ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अमल बुध के दिन को शुरू करना है। ठीक है, और याद रहे ये सिफली मुअक्कल है। ठीक है, बहुत पावरफुल मुअक्कल है और हमेशा अमल जो है अपनी मुर्शिद की निगरानी में उनकी इजाज़त से और उनकी दुआ से करें, फिर कामयाबियां भी होती हैं और अमल करने में भी मज़ा आता है। ठीक है, अगर इंसान बेतुक्का शुरू हो जाए तो ना उसमें कामयाबी होती है, ठीक है, उल्टा उसमें नुकसान होता है। दोस्तों, इनकी शरायत बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़्यादातर ये चीज़ें पाकिजगी को, तहारत को पसंद करती हैं। इसमें हर वक्त आपको पाकिज़ा रहना होगा। ठीक है, मुकम्मल एक ही जगह पर आपने रह कर ये चिल्ला करना है। बाकी कुछ हाजरात के अमल जो मैंने अपलोड किए हैं उनमें कोई कैद नहीं है, उनमें तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन ये जो सिफली मुअक्कल का अमल है इसमें आपको एक जगह पे ही रहना पड़ेगा। जैसे इंसान इतकाफ बैठता है इसी तरह इसका ये हिसाब है। दोस्तों, ये अमल 40 दिन का है और 21 दिन के बाद मुअक्किलीन जो इस अमल के हैं वो हाजिर होना शुरू हो जाते हैं। और ये बात याद रखना, वो तरह तरह के खौफनाक मंजर आपको दिखाएंगे, आपने डरना नहीं है बिल्कुल। अगर आप डर जाएंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, डरना नहीं है क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और फिर ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सब इंसान के नीचे हैं, इसलिए इंसान को डरना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अमल का टाइम आपने इशाक के बाद रखना है। साइड पर एक अलग सेपरेट कमरा हो जहाँ पे कोई भी ना आए ना जाए। ठीक है, वहाँ उस कमरे में अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें रख लेनी है आपने। आपका जो मुसल्ला हो वो सब्ज़ रंग का होना चाहिए, आपका लिबास सब्ज़ रंग का होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। इशा के बाद एक फिक्स टाइम रखना है जिसमें आप ये पढ़ाई किया करेंगे और दिन को आपने खूब सोया करना है ताकि रात को अमल करते वक्त आपको नींद ना आए ना ऊँग आए। ठीक है दोस्तों, अमल गौर से नोट फरमा लें। जब अमल करने आपने बैठना है, सबसे पहले आपने अपना सदका देना है, उसके बाद आपने अमल स्टार्ट करना है अपने मुर्शिद की निगरानी में उनकी दुआ से। दोस्तों, अमल करने से पहले 66 बार आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह शरीफ 66 बार पढ़ने के बाद आपने इस पढ़ाई को 444 मरतबा पढ़ना है। पढ़ाई क्या है? अक्सम तो अलैकुम या बुरकान अबू लाजायब बिल मिकाइल व बेहरमत या हबीरू
उहजुरु अल अजल अल साते। दोस्तों ये पढ़ाई है, इसको आपने सिर्फ 444 मरतबा पढ़ना है और टाइम का ख्याल रहे कि आपका टाइम एक मिनट भी ऊपर नीचे ना हो। दोस्तों पढ़ते वक्त गूगल ज़रूर जलाना है आपने साथ में, ठीक है। 21 दिन के बाद मुवक्किलीन आपके पास आना जाना शुरू हो जाएंगे और तरह तरह के खौफनाक मंजर आपको दिखाएंगे और हरगिज़ आपने कभी भी इनसे खौफ नहीं खाना, ये बात याद रखें। जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो वो सिफली मुवक्किल आपके ताबिया हो जाएगा और जब वो सामने आए तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके उससे बातचीत करें। अगर पढ़ाई के दौरान वो आपसे बात करता है या बुलाता है, हरगिज़ मत उससे बात करना। अपनी पढ़ाई की तादाद मुकम्मल करके उससे बात करना और जितना अरसा उसको रखना है, ठीक है, और उसके आने जाने का तरीका आपने पूछ लेना है, वादा ले लेना है, उससे कोई निशानी ले लेनी है और फिर उसको रुख्सत कर देना है, ठीक है। फिर जब भी किसी ज़रूरत पड़े आपको किसी काम की तो उसको पाक साफ जगह पे तलब करें, ठीक है। कभी भी गलत जगह पे उसको तलब ना करें या किसी ऐसी वैसी जगह पे उसको ना बुलाएं जहाँ पे कोई गंदगी हो, वरना वो आपको नुकसान दे सकता है, ठीक है। दोस्तों इस सिफली मुवक्किल को कभी भी किसी को हलाक करने का नहीं कहना, ये बात याद रखना, बिला वजह। हाँ अगर कोई शख्स आमिल को ज़्यादा सताता हो, आमिल को दुख देता हो, उसका दिल दुखाता हो, तो फिर आप उसको सबक सिखा सकते हैं, वरना बिला वजह किसी को हलाक करने का हुक्म इसको मत देना, वरना ये आपको नुकसान देगा, ठीक है। जो आपका दिल दुखाएगा, जो आपको नुकसान देगा, उसके लिए आप इसको हुक्म दे सकते हैं सबक सिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको सब इल्म होता है कि इसको ये आदमी तकलीफ दे रहा है और ये नहीं दे रहा है, ठीक है। इसलिए बिला वजह किसी को मत तकलीफ देना, ठीक है। दोस्तों इन चीज़ों के साथ अच्छी दोस्ती रखी जाए तो ये बहुत कमाल तक ये चीज़ें पहुंचा देती हैं, लेकिन ये चीज़ें इतने आसान भी नहीं होती। अगर ये इतनी आसान होती तो आज हर कोई करके पत्नी कहाँ तक चला गया होता, क्योंकि इनकी शरायत पर अमल करना मुश्किल होता है। पाकीज़ा रहना, बात आयात रहना, ये छोटी छोटी इनकी शरायत होती है, लेकिन ये हमसे नहीं होती। कोई चंद लोग होते हैं, कोई 100 में से 4-5% जो इन अमलियात को आखिर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, यानी कामयाब हो जाते हैं, और वही कामयाब होते हैं जिनके ऊपर मुर्शिद की दुआ आती है, ठीक है। दोस्तों ये था सिफली मुवक्किल का अमल। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।